क्या आप सच्चाई अच्छाई की खोज में लगे हुए हैं? आप पूरी दुनिया में खोजना फिर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक आप अच्छा नहीं करेंगे तब तक अच्छाई आपके अंदर उत्पन्न नहीं होगी। आप सच्चाई जब तक आप सदा सत्य नहीं बोलेंगे तब तक आपकी सत्यता पूरी दुनिया में नहीं निकलेगी, क्योंकि स्वयं में सब कुछ निर्भर करता है। आप सच्चे इंसान बन सकते हो या अच्छे इंसान बन सकते हो, तो अपने कर्तव्यों को अच्छा कीजिए। आपके कार्य हर समय अच्छे रहें, वही तो अच्छाई साबित होती है। और सत्य बोलते रहें, हर समय सच्चाई साबित होती रही थी। सत्य असत्य की खोज में जीवन व्यर्थ में जाए, दुनिया चक्र में पड़ी है खुद में समाहित कहा है। क्योंकि जिन मनुष्यों के अंदर समाहित है, जिन मनुष्य के अंदर जागृत है, वही सत्यता का बोध जानता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ये नश्वर संसार, ये नश्वर शरीर जो आप देख रहे हैं, वही तो सब नश्वर है, सब नाशवान है। एक ना एक दिन धराशायी हो जाएगा, एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, यही तो नाशवान है। आप सत्यता की खोज कीजिए, वही तो सच्चाई है। बाकी की जो आत्मा है, परमात्मा है, सत्य बोलने वाला जो शब्द है, वही तो सत्यता है। आप असत्यता के विचारों से हर समय दूर रहिए, क्योंकि आप उलझे रहेंगे, आप जीवन पर्यंत उसी में समाहित रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपकी मन और वाणी और बुद्धि ये तीनों सही स्थान पर विराज हैं, तो आप सत्य की खोज में मत रहिए, क्योंकि आप में परिपूर्ण है। क्योंकि आप ही सत्य हैं और आप ही असत्य हैं, आप ही सच्चाई हैं और आप ही अच्छाई हैं। आपसे कोई परे नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम आप हैं। आप अपने लिए अच्छा करते हैं, आप अपने लिए बुरा करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी आप अच्छा कीजिए। आप अपने ही लिए क्यों? ऐसे ही अपने विचार अपने जो दिल में बैठाए रहते हैं, वही तो सत्य असत्य की खोज करते हैं। आपको परम शक्ति, ज्ञान, परमात्मा, ये तीनों आपके उसी परम शक्ति के लायक हैं। उसकी जब सत्यता की खोज में निकले हैं तो ये तीनों अवश्य आपको प्राप्त होंगे, आज नहीं तो कल, ये आपका निश्चय है। यूँ समझिए कि ज्ञान से ही संसार में सब कुछ है। ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं, वेद नहीं तो कुछ नहीं, परम शक्ति नहीं तो कुछ नहीं। आप अपने अंतर आत्मा में जगाई रखिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। क्योंकि आप निरंतर उस परम शक्ति का बोध जाहिर करते रहिए, आप उसके विचारात्मक शक्ति द्वारा उसका प्रवचन कीजिए, उसको हर समय खोजिए कि ये कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा ज्ञान आपने पा लिया है, क्योंकि वो ज्ञान ऐसे संसार में खोजने से नहीं, अपने आप के स्वयं के खोजने से मिलता है। अपने आप के अंदर मिले या परम शक्ति संसार में जो संत हैं उनके अंदर मिले, या और गुरु होते हैं अनंत भाव से जाने जाते हैं, ऐसे गुरुओं के पास में मिले, वो भेदों से, रूपों से, स्वरूपों से, रंग से, द्वेष से, इन सब से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इन सब से सच्चाई और अच्छाई की प्राप्ति नहीं होती। सच्चाई अच्छाई की सबसे बड़ी प्राप्ति है उसके गुण और अवगुण। जब तक गुण उसमें अच्छाई के नहीं हैं, तब तक आप नहीं जान सकते हैं। सच्चाई जब तक बोलने की सहम चलती शक्ति उसके अंदर नहीं है, तब तक आप उसको नहीं जान सकते। क्योंकि सच्चाई अच्छाई को जानने के लिए स्वयं की खोज कीजिए, आप स्वयं में स्वयं निर्भर रहिए, जिससे आपको उस परम शक्ति सत्यता का बोध हो सके, उस परम शक्ति ज्ञान की प्राप्ति हो सके, जिससे आप अनंत जीवनों से भटकते हुए आ रहे हैं, आपका कल्याण हो, आपको परम शक्ति ज्ञान की प्राप्ति हो। क्योंकि आपका ज्ञान ही आपको परम शक्ति का बोध कराएगी, आपकी अच्छाई ही आपको सत्यता की बोध कराएगी, क्योंकि आपके ही विचारों से पूरी सृष्टि चलायमान है।
आपके विचारों से ही आपके सगे संबंधी रिश्ते नाते सब कुछ लगे हुए हैं, क्योंकि अहंकार को त्यागिए और परम शक्ति का ज्ञान प्राप्त कीजिए, जिससे आपका कल्याण अवश्य होगा। सत गुरुदेव।